हे व्हाट्सअप गेमिंग आर्मी, वेलकम टू गेम एक्स प्रो। गाइज, आज सुबह मैंने जो है कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला और आप लोगों से सजेशन चाहा कि कौन सी वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो मैक्सिमम ऑफ द पीपल्स के कमेंट थे कि शॉटगन्स पे वीडियो बनाओ, शॉटगन चैलेंज करो एंड गेम प्ले लाओ ओनली शॉटगन्स का। तो ठीक है गाइज, मैंने आपकी रिक्वेस्ट मानी और आज जो है अपन जो है ओनली शॉटगन चैलेंज करने वाले हैं। यहाँ पे अपन सिर्फ शॉटगन से ही लोगों को किल करेंगे एंड देखते हैं कि शॉटगन कितनी पावरफुल होती हैं और क्या हम शॉटगन तक आखिर तक जा सकते हैं कि नहीं शॉटगन के साथ। सो शुरुआत करिए हमने पोचिंकी से। पोचिंकी में उतरे हैं एंड सबसे पहले जो मिलता है उठा लियो, देन देखते हैं आगे शॉटगन मिलती है कि नहीं। फिलहाल मेरे को जो है S12K मिल गई है गाइज, ये भी एक शॉटगन है, हालांकि ये असॉल्ट राइफल की कैटेगरी में आती है लेकिन है ये शॉटगन ही, तो ये मैंने उठा लिया। दूसरे हाथ में भी मेरे शॉटगन ही है। तो फिलहाल जो है यहाँ से पहले मैं थोड़ा सा बॉडी वेस्ट उठा लूँ, देन जो है अपन किल करने चलेंगे। तो फिलहाल मैं अभी प्रॉपर रेडी हूँ और इस घर में भी देख लेता हूँ थोड़ी से मुझे शॉटगन के शेल मिल जाएँ और अच्छा रहेगा। अब सामने वाले घर में मुझे फायरिंग हो रही थी तो मुझे सुनाई दिया और मैं यहाँ पर जो है अभी फाइट लेने आ गया हूँ। एंड देखते हैं कि गाइज कितने हमें कितनी गेम प्ले लगते हैं, मतलब कितनी बारी लगती है इसको शूट करने में। सो ये एक बंदा आया मुझे मारने, ये एक रियल प्लेयर था लेकिन तीसरे शॉट में ये ख़त्म हो गया शॉटगन के, और दूसरा बंदा भी आ रहा है। तो ये देखिए ये भी आया एकदम लूट, देखो देखो ये बंदा आया सीधा ही आते ही लूटने लग गया भाई, आसपास नहीं देख रहा कौन है कौन नहीं, मतलब कुछ भी, ये फर्स्ट शॉट या दूसरा शॉट ख़त्म। तो गाइज़ ये वैसे पहले ही शॉट में ख़त्म हो गया था। सो ये दोनों ख़त्म हो गए अभी, तो पूरे मैच में अपन जो है शॉटगन यूज़ करने वाले हैं एंड देखते हैं कितना, अब ये फर्स्ट ट्राई है, देखते हैं कि इस ट्राई के अंदर हम कितने आगे तक पहुँच पाते हैं, शॉटगन कितनी पावरफुल होती है। अभी फ़िलहाल जो है सामने वाले घर में बंदा है एंड वहीं पे जा रहे हैं अपन एंड देखते ही अंदर क्या होता है। मुझे पीछे से फुटस्टेप्स सुनाई दिए इतने में, तो अंदर भी बंदा है और सामने भी बंदा है, तो मैं P18C स्विच कर लिया हूँ ज़्यादा अगर क्लोज कॉम्बैट होता है तो। अभी मैंने वापस स्विच कर लिया है और मेरे पे पीछे से शूट भी हुआ। अब पहले जो है मुझे हील करना होगा और ये बंदा जो है सामने बुश में लेटा हुआ है, तो मैं इसे जानबूझ के नहीं मार रहा, पहले मैं हील कर लेता हूँ, तब जो है मुझे मैं इसे जो है आराम से मार लूँगा। फिलहाल जो है वो उसको अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि पीछे मैं हूँ, बड़े आराम से बैठा हुआ बंदा, और ये देखिए शातिरगिरी कर रहा था। तो फिलहाल इसको भी किल कर दिया है, 3 किल हो चुके हैं और अभी देखते हैं कितनी आखिर तक जाते हैं हम शॉटगन के साथ और कितनी ट्राई लेते हैं अपन चिकन डिनर पाने में। फिलहाल जो है हील कर लेते हैं और सामने वाले घर में जो बंदा है उसको किल करने चलते हैं अभी। तो खिड़की पे है वो एकदम अब अंदर चला गया और मैं डायरेक्ट आ गया हूँ उसको मारने के लिए। फिलहाल मैं जो है सबसे पहले उसके पीछे वाले घर में जाऊँगा और वहाँ से ट्राई करूँगा कुछ शॉट लेने की। तो यहाँ पे से ऊपर चले जाता हूँ मैं और यहाँ पे से अब मैं ट्राई करूँगा उसको मारने की। अब जो है मेरे सामने वाले घर में है वो बंदा और वो भी मुझे ऐसे ही देख रहा है जैसे मैं कि उसको TPP से देख रहा हूँ एंड अब देखते हैं वो खिड़की पे आता है कि नहीं। फिलहाल मेरे पीछे और दोनों तीनों घरों में बंदे हैं, इस साइड भी बंदा है, तो मैं एकदम चारों तरफ से मेरे को घेर लिया इन लोगों ने, मेरे को लग रहा है इन्होंने टीम अप किया है। ये देखिए एक को मैंने हेडशॉट दिया लेकिन थोड़ा सा लैग के कारण जो है वो दूसरा शॉट दीवार पर बच गया। अब मैं जो है इस 3 मंजिला घर में जा रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ा वहाँ से आसानी से मैं उस पर शॉट ले सकूँ। सो यहाँ से मैं उस पर आसानी से शॉट ले पाऊँगा लेकिन वो जो है यहाँ पर नहीं है, वो अंदर चला गया है। सो यहाँ पे वो मेरे को रश करने के लिए आ रहा है, तो कोई बात नहीं अपन रेडी हैं शॉटगन के साथ। ये देखिए आया एकदम ऊपर भी नहीं देख रहा भाई, सीधा भगते ही आ रहा है एकदम। तो इसके पास AKM और SKS थी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया ये शॉटगन के सामने। सो फिलहाल अब जो है अपन यहाँ पे से लगाते हैं छलांग और जो सामने वाली 3 स्टोरी की बिल्डिंग है उसमें अपन चलेंगे, वहाँ पे है वो बंदा। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि सोलो के अंदर आपको बहुत हाई लेवल के कैंपर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं है। अब सामने वाले में देखता हूँ मैं थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि अगर मेरी एक गलती है मेरे पूरी गेम को बर्बाद कर सकती है, पूरे जो 30-35 मिनट में खेला हूँ गेम प्ले सब बर्बाद हो जाएगा। अभी इस घर में है वो बंदा एंड देखते हैं अपन इसको मार पाते हैं कि नहीं। शॉटगन है अपने पास S12K एंड इतने में जो है रेड जोन भी ब्लास्ट होना शुरू हो गया है, तो मैं चला गया हूँ उसके घर में और डायरेक्ट सीधा जा रहा हूँ मैं ताकि जो है आसानी हो उसको मारने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 ड्रिंक्स लगा लेता हूँ तब जाके मैं जो है उसको मारने जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा ड्रिंक बूस्ट करने से थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है आदमी की कैरेक्टर जो है हिलने जुलने की। तो ये लगा ली है मैंने 2 ड्रिंक्स एंड अभी जो है मैं एकदम रेडी हूँ।
तो गाइज़ मैंने उसको एक से दो शॉट मारे लेकिन वो सही से लगे नहीं, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहीं पे होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहीं और लेटा होगा ऊपर जाके, तो मैंने एक्सपेक्ट वो मेरे एक्सपेक्ट के बाहर था तो इसलिए उसने मेरे को मार दिया। अभी अपन कोई बात नहीं, दूसरी बार ये खेल रहे हैं एंड दूसरी बार देखते हैं कि अपन चिकन डिनर ले पाते कि नहीं। अब गाइस इस बार अपन जो है दूसरी टाइप की शॉटगन ट्राई करेंगे, जो डबल बैरल वाली शॉटगन होती है उसको अपन ट्राई करेंगे, जो डबल शूट देती है, और वही मिल गई है हमको अभी पोचिंग की के अंदर। सो एक हेलमेट ले लेता हूँ, बॉडी वेस्ट है अपने पास, तो अब जो है मैं रेडी हूँ। सो यहाँ पे मुझे पता है बंदा कहाँ पे है, इस घर के अंदर है वो। सो मैं डायरेक्ट उसको मारने चला गया, उसके हाथ में कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए ये है वो, और ये बंदा देखो देखो देखो, मतलब लूटने की क्या इनको पड़ी हुई है। सामने इसके बंदा है, खड़ा है शॉटगन लेके, देख ही नहीं रहा भाई। अभी देखते हैं इस घर की छत पे। सो वो सामने है बंदा, और इस पे भी शॉटगन का एक ट्राई लेते हैं। ये पहला शॉट मिस और दूसरा उस पे बजा, लेकिन इतने में वो कूद चुका था। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इधर से आएगा, लेकिन वो पीछे से गया इस घर के अंदर, और वो पक्का मेरे को देखेगा यहाँ से। एंड अगर वो देखेगा तो और निकल गया वो, मेरी टाइमिंग थोड़ी सी मिस हो गई यहाँ पे। सेकंड टाइम पे वो खिड़की पे नहीं आ रहा, उसको पता अगर आएगा तो पहले शॉट में उसका काम हो जाएगा। तो अब मैं जो है यहाँ से, ये देखिए एक और बंदा आया, ये रियल प्लेयर है, बॉट नहीं है ये, एकदम से रुक गया है। अब मैं इस साइड से कूद के पहले पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी छत पे कोई आ चुका है। वापस आ चुके हैं हम थोड़ी अच्छी लूट लेके। अब मैं आपको बताता हूँ, वो बंदा देखो अभी भी यहीं पर बैठा हुआ है। तो मैं इसको मारने गया, इतने में जो है पीछे वाले घर से किसी ने इसको मार दिया, और वो सामने है वो बंदा ये। अब मैं जो है सबसे पहले तो इसको पार कर लेता हूँ, मेरे पे शूट होगा अभी देखियो। तो एक बुलेट पड़ी मेरे पे माइक्रो यूजी की, तो सबसे पहले तो मैं हील कर लेता हूँ, उसके बाद जो है डायरेक्ट उसको मारने जाएंगे अपन। सो हील हो चुका है, अभी जो है मैं डायरेक्ट उसके घर में घुस के मार दूंगा उसको। और इधर से चलते हैं अपन, देखते हैं यहाँ पे तो नहीं है, यहीं तो नहीं है वो। सो कुछ लोग अंदर बैठे होते हैं तो वहाँ पे तो नहीं है वो। अब यहाँ पे से देखता हूँ थोड़ा मैं टीपीपी से, कहीं वो मेरी हाउस गाइड मेरे पे ना बर्बाद कर दे। तो यहाँ भी नहीं है वो, ऊपर चलते हैं। सो इधर भी नहीं है, और अब वो जो है टॉप पे है, और इतने में उसने मेरे को आवाज़ दिया कि ब्रो टीम अप करोगे, तो मैंने बोला ठीक है हम टीम अप करेंगे, अगर तुम नीचे आ जाते हो अपने जो है वेपन्स छोड़ के। तो मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था, वो आता है तो मैं देखता हूँ, अगर वो ज़्यादा शांत पट्टी नहीं करेगा तो उसको अपन नहीं मारेंगे। तो अभी मैं बोला ठीक है तुम अपना वेपन्स नीचे डाउन करो और नीचे आ जाओ, तो वो आ गया है नीचे। सो मैंने देखा उसके हाथ में वेपन नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है। अब हमारे घर में तीन प्लेयर जो है रश करने के लिए आ रहे हैं, तीन फुटस्टेप आ रहे हैं हमको, तो एक तो इसके होंगे और दो कोई और हैं। तो यहाँ से बंदा आएगा, अब मैं उसको मार दूंगा। अगर वो सीधा भगते हुए आया तो वो पक्का मरेगा। और वेट करते हैं यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं। सो बंदा ये देखिए आया, और ये हेडशॉट पड़ा डायरेक्ट इसको, शॉटगन का ख़त्म हो गया है। और दूसरा भी यहीं कहीं है, दूसरा भी आएगा अभी। सो ये देखिए ये पता नहीं क्या कर रहा है। सो ये कंफ्यूज सा हो गया था ये बंदा, तो मुझे लग रहा है इन दोनों ने भी टीम अप किया था और अपन ने भी टीम अप किया था, तो हमारी टीम जीत गई है। अभी फ़िलहाल मैंने बोला जाके तू नीचे जो है लूट ले उनको, तो बोला ठीक है। उसके पास भी शॉटगन ही थी, मेरे पास भी शॉटगन थी, तो अगर हम दोनों का बैटल होता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि शॉटगन वर्सेस शॉटगन मज़ा आता है। इस गेम में मेरे तीन किल हो चुके हैं एंड ट्राई करेंगे यार यहाँ पे जो है अपन चिकन डिनर लेने की। तो मैंने बोला है वो सामने वाला एक और क्रिएट है, उसको भी लूट ले, तो बोला ठीक है लूट लेता हूँ। और उसने मेरे को बोला इसमें एक कैम पड़ी है, तो मैं एक कैम उठाओ, तो मैंने बोला ठीक है। मैं ऐसे उसे डराने के लिए मैंने एक कैम उठा लिया, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगा एक कैम को, मैं इस पूरे मैच के अंदर जो है ये डबल बैरल वाली शॉटगन का यूज़ करूँगा। अभी उसको जो है किसी ने मार दिया है सामने वाले घर से, तो मैंने उससे पूछा कहाँ से मारा, तो उसने बताया सामने जो है नॉर्थ पे जो घर है उससे मुझे जो है शूट हुए हैं। तो अभी मैं वहीं देख रहा हूँ कि कहाँ है वो प्लेयर। सो वो मेरे को दिख गया है, वो खिड़की पे पीक लेके बैठा हुआ है, एंड जैसे मैं खिड़की पे जाऊँगा तो वो मेरे को भी मार देगा। सो इससे अच्छा जो है मैं ऊपर से उस पर किल करने की ट्राई लेता हूँ शॉटगन से। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक शॉट उस पर हिट करना है और वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये एक पड़ा और दूसरा ख़त्म। सो गाइस चार किल हो चुके हैं यार, शॉटगन से मज़ा आ रहा है खेलने में। पूरे मैच के अंदर अपन इसी को लगा रखेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सो ये उस बंदे का क्रिएट है, ये है उसका नाम सुमन बासु नाम है इस बंदे का, आप देख सकते हो ये उसके क्रिएट के ऊपर उसका नाम आ रहा है। तो इसी के साथ हुआ था मेरा टीम अप, थोड़ा सा लैग कर रहा है बिकॉज आसपास से ड्रॉप गया है और लोग भी जा रहे हैं ड्रॉप की तरफ। सो जब भी प्लेयर पास आते हैं तो लैग होता है। अभी फ़िलहाल अपन जो है गाड़ी लेके निकल लिए हैं और पोचिंकी के बाहर जो है शॉटगन का यूज़ करते हैं और चिकन डिनर लेंगे अपन पक्का इसमें,
देखते हैं होता है कि नहीं। अभी ट्राई तो पूरी करेंगे, जितना लास्ट तक होगा अपन जाएंगे उतना लास्ट तक, और जितना पोचिंकी के बाहर फाइट हो अपन वो भी लेंगे। बस अब देखते हैं मिड रेंज में क्या कैसे मारता हूँ मैं प्लेयर्स को, अगर कोई मिड रेंज में आता है मेरे से फाइट करने। तो फिलहाल इस घर में बंदा है, मेरे को गाड़ी दिख गई है और ये मैंने भी अपनी गाड़ी ठोक के रोक दिया यहाँ पे। अब जो है मैं डायरेक्ट ही पुश करूँगा, वेट नहीं करूँगा, बिकॉज शॉटगन है तो जो होगा देखा जाएगा। सो अब मुझे उसके फुटस्टेप आने लगे हैं, मतलब वो सामने बैठा है तो देख सकते हो आप। अब मैं यहाँ से पीक करके मारूंगा, उसके हाथ में पता नहीं क्या है, ये मैंने मारा उस पर और उसने भी मेरे को हेडशॉट दिया, पता नहीं काय का हेडशॉट था। अभी चेक करते हैं काय का था, तो वो SLR का हेडशॉट था जो मेरे सर पे पड़ा, लेकिन एक ही पड़ा, इतने में मैंने उसको डबल बैरल का शॉटगन का शॉट दे दिया और वो ख़त्म हो गया पूरा। अभी फ़िलहाल इस घर में भी बंदे हैं, यहाँ पे से भी बहुत शूट हो रहा था और मैं चलती गाड़ी से कूद गया, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। अभी मैं बच गया हूँ और वो सामने से उसने मेरे पे बहुत अटैक किया, मेरे पे बुलेट्स चलाए उसने काफ़ी। तो अभी वो दीवार के पीछे है तो मैं थोड़ा इतनी देर में मेडकिट लगा लेता हूँ। सो मेडकिट मेरी जो हेल्थ है उसको फुल कर देगी, तो मज़ा आएगा। अभी इसको देखते हैं कैसे मारते हैं अपन। उसके पास जो है M4 है विद सप्रेस्ड M4, सप्रेसर भी है उस पर लगा हुआ तो, और मेरे पास सिर्फ शॉटगन है तो देखना होगा। वो देखिए लेटा हुआ है घास में, देख लिया मैंने उसको। तो मेरे पास डुअल मोल्टोव है तो मैं दोनों मोल्टोव यूज़ करूँगा, पहले उसकी हेल्थ कम करूँगा तब मारूँगा उसको। तो ये मोल्टोव जो है कुछ ज़्यादा ही दूर गिर गया है, दूसरा चलाता हूँ और ये भी कुछ हड़बड़ी में ज़्यादा ही दूर गिर गया है, तो उस पर कोई भी नहीं लगा। और वो अभी गाड़ी में बैठा है, देख सकते हो उतरा गाड़ी से वो, मे बी वो मेरे को मारने के लिए आ रहा है। तो अभी हमें संभल के रहना पड़ेगा थोड़ा। सो उस साइड से आ गया है वो, आएगा वो उसी साइड से। देखिए मुझे फुटस्टेप सुनाई दिए और ये मैंने किया उस पर अटैक, और उसने भी बहुत सी, उसने मेरे पे पूरी की पूरी गोली चला दी है लेकिन मैं नहीं मार पाया उसको। और उसने भी 40 की 40, वो भी रिलोडिंग कर रहा है और मैं भी रिलोडिंग कर रहा हूँ अभी। तो भाई मैं भी बच गया, वो भी बच गया, भाई दोनों जान बचा के भाग गए उधर से। तो यहाँ पे जो है मैंने उस पे पहले डुअल शॉटगन ट्राई करी और एक उस पे लगी, उसकी चेस्ट थी वो जो है वो 3 लेवल की थी तो इसलिए वो मरा नहीं, और दूसरा शॉट जो है मिस हो गया। और उसकी भी 40 बुलेट थी भाई, 40 की 40 मिस हो गई, बिकॉज मैं बहुत जंप कर रहा था और जंप करना भी चाहिए, बिकॉज मिस अगर नहीं करता तो मैं मर जाता, अभी फिर से आ रहा है मारने। सो ये मिस हुआ पहला शॉट और दूसरा उसकी खोपड़ी पे लगा और ख़त्म। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसने ड्रॉप लूटा था फ्लेयर गन वाला, और इसके पास लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट थी इसलिए ये मेरे पहले शॉट के अंदर बच गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मार दिया है भाई ने इसको। अब देखिए टॉप 14 बंदे बचे हुए हैं मेरे को छोड़ के 13, तो अब देखते हैं चिकन डिनर होता है कि नहीं शॉटगन के साथ। अगर होता है तो बहुत मज़ा आ जाएगा यार। और यहाँ पे गाड़ी रोक दिया बिकॉज़ यहाँ पे कुछ बंदे हैं, दोनों घरों में एक एक बंदा, तो उस वाले को पहले मारते हैं बाद में इस वाले को मारेंगे। अब जो है मैं सबसे पहले तो ट्राई करूँगा देखने की कि वो है कहाँ पे, मेरा लैग हुआ थोड़ा सा और यहाँ पे तो नहीं है वो। सो मैं इस साइड से अंदर जाता हूँ ताकि वो कहीं छुपा हुआ हो तो मेरे को पता लग जाएगा। सो अब मैंने कंफर्म कर लिया कि वो ऊपर की साइड ही है, क्योंकि नीचे की साइड तो ज़्यादातर होते नहीं हैं, ऊपर की साइड ही होते हैं। और वो देखिए दिख गया मेरे को वो सामने, और मैं दूसरा देख रहा हूँ तो कोई दूसरा तो नहीं है घर के अंदर, तो दूसरा नहीं है। सो अब उसको कैसे मारे, उसने नेट फेंका है सीढ़ियों पर, तो ये देखिए नेट ब्लास्ट हुआ। अब जो है इसीलिए मैं पीछे की तरफ भागा था एंड अभी मैं फिर से सीढ़ियों पर आ चुका हूँ। अब उसने नेट फेंका था, अब मेरी बारी है नेट फेंकने की। सो वो सामने बैठा हुआ है, हिला नहीं है एंड मैंने नेट जल्दी फेंक दिया थोड़ा, अब वो बच जाएगा मे बी। हाँ वो बच गया है। सो अब वो हील कर रहा है और मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि उसको मारने का। सो जैसे उसने हील स्टार्ट किया तो मैं अंदर घुस गया, लेकिन उसने हील कैंसिल कर दिया और उसने भी मेरे को मार दिया और उसको भी मैंने मार दिया। देखिए वो भी ख़त्म, मैं भी ख़त्म। तो एक्चुअली मैं बताता हूँ ये हुआ क्या था, जैसे मैं उसको मारने गया तो तीसरा प्लेयर आया और उसने उस कमरे में ग्रेनेड फेंक दिया। अब जैसे मैं ग्रेनेड फेंका तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन अब मैं आगे चला गया था तो मैंने अपनी डुअल शॉटगन जो है उससे फायर किया, लेकिन दोनों शॉट मिस हो गए और उसने मेरे को मार दिया, लेकिन जो नेड था उसने उस बंदे को मार दिया। सो गाइस मज़ा आया होगा यार ये शॉटगन का गेम प्ले देखने में आपको। अगर मज़ा आया तो लाइक ठोकिए यार, कमेंट कीजिए आपको और कौन से जो है गेम प्ले देखने हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ गाइस आपको ऐसे ही को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।